हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एडुकेशन मेकर में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स के एमसीक्यूज को, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है JNU BA फॉरेन लैंग्वेज इंट्रांस एग्जाम के लिए और AMU इंट्रांस एग्जाम के लिए और जितने भी कम्पिटिटिव और इंट्रांस एग्जाम आपके होते हैं जिसमें जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप उन सभी स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करें जो और भी इंट्रांस एग्जाम देने वाले अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, तो उन्हें आप ये जरूर शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है अनुमति देना, तो अनुमति देना का उल्टा हो जाएगा विरोध करना। जैसा कि आपको पता है एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट या फिर उल्टा, तो इसमें उल्टा आपको बताना है या अपोजिट बताना है। तो इसका आपको कंसेंट का जैसा बताया गया अनुमति देना, तो इसका विरोध करना का हो जाएगा अपोज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है उत्तेजित करना या फिर चिढ़ाना, तो प्रोवोक का एंटोनिम्स हो जाएगा शांत करना या फिर कह सकते हैं आराम पहुंचाना। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूथ। सूथ का मतलब होता है शांत करना या फिर आराम पहुंचाना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर हमारा बून। बून का मतलब होता है आपको वरदान, तो इसका उल्टा हो जाएगा आपको हिंड्रेंस। तो हिंड्रेंस या फिर आप कर्स भी कह सकते हैं और डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। तो बून का मतलब होता है आपको वरदान देना, तो श्राप हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको उल्टा हो जाएगा या फिर एंटोनिम्स हो जाएगा कर्स, CURSE। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर हमारा होस्ट। होस्ट का मतलब होता है आयोजित करना, तो होस्ट का उल्टा हो जाएगा या एंटोनिम्स हो जाएगा विजिटर, जो फिर दर्शक होता है या पर्यटक भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विजिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर एडियर। अधेर का मतलब होता है पालन करना या फिर वफादार होना, तो एडेर का एंटोनिम्स हो जाएगा आपको डिसज्वाइन, मतलब कि संबंध तोड़ने वाला या फिर अनादर करने वाला, आदर नहीं अनादर करने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसज्वाइन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर हमारा एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है चिढ़, तो एंटीपैथी का उल्टा या फिर एंटोनिम्स हो जाएगा अफेक्शन, जिसका मतलब होता है स्नेह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही हमारे इस चैनल पर सिनोनिम्स का एमसीक्यूज प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें आपको टोटल 5 या 6 पार्ट्स सॉल्व कराए गए हैं, तो उनको आप जा करके देख लें। सभी का एक प्लेलिस्ट बना करके अपलोड किया जा चुका है। जितने भी जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, जितने भी जनरल इंग्लिश के टॉपिक्स होंगे आपका, वो इंग्लिश का एक प्लेलिस्ट होगा, उसी में सब कुछ होगा। तो एंटोनिम्स का उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही अगर आपने यूरोपियन कंट्री को नहीं देखा है या फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्री के एमसीक्यूज को नहीं देखा, जो कि JNU BA फॉरेन लैंग्वेज इंट्रांस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उन सभी को जा करके देख सकते हैं, जिसमें सभी कंट्रीज को कवर किया गया है, जो भी आपको 11 और 12 कंट्री पढ़ने हैं, तो आप उनको जाकर के जरूर देख लें। और साथ ही मिक्स GK का भी क्वेश्चंस बनाया गया, जिसमें सभी कंट्रीज को मिक्स करके क्वेश्चंस बनाया गया, तो आप उनको भी जाकर के देख सकते हैं। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवन नंबर एसेट। एसेट का मतलब होता है संपत्ति, तो एसेट का आपको एंटोनिम्स हो जाएगा लायबिलिटी मतलब ऋण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर उधार भी कह सकते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है हमारा डायलेट। डायलेट का मतलब होता है फैल जाना या फिर फैलाना, तो डायलेट का आपको एंटोनिम्स उल्टा हो जाएगा नैरो, छोटा होना या फिर सिकुड़ जाना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फियास्को। फियास्को का मतलब होता है असफलता, तो असफलता का उल्टा हो जाएगा सफलता, तो फियास्को का सिनोनिम्स हो जाएगा आपको सक्सेस, सॉरी एंटोनिम्स हो जाएगा आपको सक्सेस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर डिमाइस। डिमाइस का मतलब होता है मृत्यु मौत, तो डिमाइस का आपको उल्टा हो जाएगा जन्म, तो इसको बर्थ आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 11 नंबर हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है तालमेल या फिर सहमति भी कह सकते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा मतभेद या फिर असहमति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्कॉर्ड, इसका मतलब होता है मतभेद या फिर असहमति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कॉन्टिगुअस, कॉन्टिगुअस का मतलब होता है सटा होना या फिर लगा हुआ होना, तो कॉन्टिन्यूअस का उल्टा हो जाएगा, सटा हुआ होना या फिर लगा हुआ होना का उल्टा हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा अलग अलग होना। तो इसका आपको सिंपली आंसर हो जाएगा सेपरेटेड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार या फिर संशोधन, तो अमेंडमेंट का आपको एंटोनिम्स हो जाएगा वर्सनिंग, मतलब कि कमी या फिर बिगड़ता हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्सनिंग। साथ ही आपका जो भी जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज का सिलेबस है उसके लिए भी एक वीडियो बनाया है यह जनरल इंग्लिश को लेकर के, तो उसका लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा, तो आप सिलेबस को जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि जेएनयू के प्रोस्पेक्टस में सिर्फ आपको जनरल इंग्लिश करके बताया गया, बट इसमें डिटेल सिलेबस आपको बताया गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण या फिर कह सकते हैं बेतुका, तो आपको रिडिक्यूलस का एंटोनिम्स हो जाएगा सेंसिबल, मतलब समझदार, तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा सेंसिबल। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है दरार पैदा करना या फिर दरार कह सकते हैं, तो ब्रिज का आपको एंटोनिम्स हो जाएगा ब्रिज, मतलब अंतर मिटाना, वो वाले ब्रिज नहीं है, वो जो ब्रिज मतलब पुल होता है उसका वो मतलब नहीं है यहाँ पे, ब्रिज का मतलब होता है अंतर मिटा देना, दूरी समाप्त कर देना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब होता है आपको प्रकट करना, सब कुछ बता देना, तो डाइवल्ज का उल्टा आपको हो जाएगा, प्रकट करने का उल्टा हो जाएगा छिपाना, तो इसका आपको एंटोनिम्स हो जाएगा सीक्रेट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, कमजोर, तो कमजोर का उल्टा हो जाता है स्ट्रांग, मजबूत, ताकतवर, तो इसका आपको एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रांग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर हमारा, नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है नौसिख्या, नोविस सॉरी, नोविस का मतलब होता है नौसिख्या, तो नौसिख्या का उल्टा हो जाएगा सीखा हुआ, तो मास्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, प्यूट्रिड। प्यूट्रिड का मतलब होता है आपको भ्रष्ट या फिर आप खराब भी कह सकते हैं, तो प्यूट्रिड का आपको एंटोनिम्स हो जाएगा प्योर, जो कि जिसमें कोई भी खराबी ना हो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है कठोर या फिर सख्त भी कह सकते हैं, तो स्टर्न का कठोर का उल्टा हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा कोमल या विनम्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेंटल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी, मतलब अपराध में साथी, जो अपराध करने में साथ दे, तो इसका आपको उल्टा हो जाएगा विरोधी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपोनेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, बिजार। बिजार का मतलब होता है आपको अनोखा या विचित्र कह सकते हैं, तो अनोखा का उल्टा हो जाएगा साधारण, तो इसका सिंपली आपको आंसर हो जाएगा कॉमन, ऑप्शन नंबर ए इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉमन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एक्विट। एक्विट का मतलब होता है आपको बड़ी करना या फिर दोष मुक्त करना, तो एक्यूट का उल्टा हो जाएगा बड़ी करना या फिर दोष मुक्त करने का उल्टा हो जाएगा इल्जाम लगाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्यूज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रीवोलस। फ्रीवोलस का मतलब होता है बेवकूफ या फिर गंभीरता से विचार नहीं करने वाला, तो इसका फ्रीवोलस का बेवकूफ का उल्टा होता है आपको इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, तो इसका सिंपली आपको राइट आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इंटेलिजेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25, जो किसी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद इसका और भी पार्ट्स आएंगे, साथ ही पूरे इंग्लिश सेक्शन को कवर बहुत ही जल्द किया जाएगा हमारी तरफ से। क्वेश्चन है हमारा कंसीड। कंसीड का मतलब होता है हार मानना या फिर कह सकते हैं झुक जाना, तो कंसीड का आपको एंटोनिम्स हो जाएगा समर्थन देना, तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा डिनाई या फिर गेन कह सकते हैं, डिनाई या फिर गेन इसका आपको एंटोनिम्स हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही।